चेन्नई नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, माताओं, बहनों, हमारी जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का विषय है, इस पर बात करने की प्रेरणा मुझे पिछले 3-4 साल पहले हुई, जब मैंने भारत देश की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा था ये जानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो सरकार ने जो मुझको डाटा भेजा वो 1-2 पन्ने का नहीं था, वो काफी 600-700 पन्ने का मोटा सा एक पुलिंदा था। उसमें जो सेंसस की रिपोर्ट थी वो पूरी उन्होंने लिखी थी। वो पढ़कर मुझे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी क्या हो गई कि उसमें उन्होंने बताया कि लगभग 112 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं और 112 करोड़ लोगों में स्वस्थ लोगों की संख्या गिनती की 25 से 30 करोड़ है। बस 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं इस देश में जिनको स्वस्थ कहा जा सकता है। बाकी जितने भी लोग हैं सभी को कुछ न कुछ तकलीफें हैं कि 5 करोड़ लोग इस देश में हैं जिनको डायबिटीज है। और विशेषज्ञ ये कहते हैं उस रिपोर्ट में कि अगर यही गति और रफ्तार से डायबिटीज बढ़ती गई तो अगले 2014 तक लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों को ये होगी। फिर उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 12 से 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको लंग्स इन्फेक्शन की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं, जैसे दमा है, अस्थमा है, सांस फूलती है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे 12-13 करोड़ लोग। फिर वो विशेषज्ञों की रिपोर्ट कहती है कि भारत में लगभग 15-16 करोड़ लोग हैं जिनको घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको आप संधिवात कहते हैं सरल भाषा में, ये हड्डियों के जोड़ों के दर्द की बीमारियां हैं। फिर उसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 9 से 10 करोड़ लोग हैं जिनको पेट का कुछ न कुछ तकलीफ है, जिनको पित्त की बीमारियों के द्वारा हम लोग अक्सर परिभाषित करते हैं, गैस बनना, एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, हाइपर एसिडिटी होना वगैरह वगैरह। और ये सब मैं पढ़ता गया और एक जगह लिखा हुआ था रिपोर्ट में बहुत परेशान करने वाली बात कि 20 से 22 करोड़ लोग हैं जिनको आंखों की कुछ ना कुछ बीमारी है, या तो कम दिखता है या बिल्कुल नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है तो रंग का अंतर पता नहीं चलता, हम लोग अंग्रेजी में उनको नाइट ब्लाइंडनेस या कलर ब्लाइंडनेस या ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से परिभाषित करते हैं। और ये पढ़ते पढ़ते मैं परेशान होता गया। अंत में रिपोर्ट के आखिरी हिस्से में सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि ये सब बीमारियां तो हैं और सरकार इनके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। फिर ये पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद और एक हिस्सा है रिपोर्ट का कि भारत की सरकार कहती है कि विभिन्न बीमारियों का इलाज करने के लिए इस देश में जो डॉक्टरों की संख्या है, जो रजिस्टर्ड है, वो 23 लाख है। MBBS, MD, MS, BAMS माने आयुर्वेद के, और प्लस BHMS होम्योपैथी के, तीनों विधाओं के। अब 23 लाख डॉक्टर और लगभग 70 से 75 करोड़ मरीज, या बल्कि 80 करोड़ मरीज। फिर मैंने एक दूसरा पत्र लिखा और मैंने स्वास्थ्य मंत्री को यह कहा कि ये डॉक्टरों की संख्या तो पर्याप्त नहीं है। तो मंत्री के यहां से पत्र आ गया कि भारत की सरकार और राज्य की सरकारों ने अब तक जितने डॉक्टर्स बनाए हैं इनको बनाने में करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है, अगर ये संख्या हम दुगनी करें तो 20 लाख करोड़ रुपए हमें चाहिए, सरकार के पास इतना धन उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने भारत सरकार को याद दिलाया कि भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया हुआ है जिसमें कई देश शामिल हैं और वो समझौते का टाइटल है 2014 तक सभी स्वस्थ। तो 2014 तक कैसे होने वाला है, मुझे नहीं लगता कि कोई होने की संभावना है। और सरकार स्वीकार करती है कि जिस गति से सरकार काम कर रही है, अगर सभी हिंदुस्तानियों को स्वास्थ्य दिया जाए, चिकित्सा दी जाए, तो कम से कम 350 साल लगेंगे। अब मेरी एक जो दुख की बात है मन की, वो ये कि 350 साल में जनसंख्या अगर जो बढ़ रही है उसको जोड़ दिया इसमें, तो किसी को भी स्वास्थ्य कभी भी उपलब्ध नहीं हो सकेगा। जब ये जानकारी मुझे आई तो मैं बहुत परेशान हुआ और मैंने सोचा कि ये तो बड़ी गंभीर स्थिति है, सबको स्वास्थ्य मिलना सरकार के बूते का और सरकार के दम पर, और चिकित्सा जो चल रही है इस देश में उसके दम पर तो संभव नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए मैंने भारत देश के कई बड़े चिकित्सकों से बात करना शुरू किया।
तो उन्होंने कहा कि भारत में किसी को भी सरकार के भरोसे चिकित्सा कभी नहीं मिल सकती। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी चिकित्सा स्वयं करे तभी रास्ता खुलेगा, और कोई रास्ता नहीं। पिछले 60 वर्षों में आजादी के बाद आप सब जानते हैं, सरकार भी मानती है इस बात को, कि जितना विकास हुआ है एलोपैथी चिकित्सा का, जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितनी दवाएं बढ़ी हैं, जितने हॉस्पिटल्स बढ़े हैं, जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं, उतनी बीमारियां कई गुना गति से बढ़ गई। अब न हॉस्पिटल पर्याप्त हैं न डॉक्टर पर्याप्त हैं। आप अक्सर आए दिन अखबारों में समाचार पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे कि लोगों को बिना इलाज के मर जाना पड़ता है, बिना दवा के मर जाना पड़ता है, हॉस्पिटल के बाहर बेचारे पड़े रहते हैं, और डॉक्टर कहते हैं कि उनके ऊपर काम का इतना बोझा है कि वो सभी पेशेंट को अटेंड नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ की बातें समझने के बाद मुझे वैद्य हार्डिकर जी की बात समझ में आई कि सब लोग अपनी चिकित्सा करने लगे हैं तो रास्ता खुलता है सभी के स्वस्थ होने का। तो मैंने पूछा कि क्या यह संभव है कि हर आदमी अपनी चिकित्सा खुद कर ले, तो डॉक्टर की क्या जरूरत है? तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर क्या करता है, आपसे कुछ बातें पूछेगा, आपको भूख लगती है कि नहीं, प्यास लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं, खाना अच्छा लग रहा है कि नहीं, वगैरह वगैरह, और ये सब आप उसको बताएंगे। ये सब बताने के बाद वो अपना कंक्लूजन आपको बताएगा कि आपको फलाना रोग हुआ है या आपको ऐसी तकलीफ हुई है। मतलब क्या है, डॉक्टर ने जो कुछ बताया आपके कहने पर, वो कोई भगवान तो नहीं है, ऐसा डॉक्टर तो कहीं नहीं है कि जो आप कुछ भी ना कहो और बता दे कि आपको ऐसा है। शायद 250-300 साल पहले रहे होंगे ऐसे कुछ चिकित्सक जो नाड़ी देखते ही बात करते थे कि आपने 10 दिन पहले ये खाया। ऐसे वैद्य रहे हैं इस देश में जो एक मिनट आपकी नाड़ी पकड़ लें तो बता देंगे कि कल क्या खाया, 2 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या खाया, 10 दिन पहले क्या खाया। आप जो बताते हैं डॉक्टर उस पर से अपना तय करता है, लेकिन उसमें भी वो पक्का नहीं होता। एलोपैथी चिकित्सा में तो सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर, माने कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो और गलतियां करो, कोशिश करो माने तीर चलाओ, लगे तो ठीक नहीं तो तुक्का। फिर मैंने ये बात कंफर्म करने के लिए एलोपैथी के कई बड़े डॉक्टरों से बात की, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों से बात की, दिल्ली में, मुंबई में। वो कहते हैं कि देखो बात तो सही है लेकिन हम इसको जाहिर में नहीं कह सकते, माने आप जैसे लोगों के सामने नहीं कह सकते कि हम सब ट्रायल एंड एरर पे काम करते हैं, हम सब तीर चलाते हैं, लग जाए तो ठीक है नहीं तो तुक्का है। माने आपका जो इलाज किया जाता है वो एक कुछ एजम्पशंस के आधार पर है, कंफर्म कुछ भी नहीं है उसमें। काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप तो मर ही जाएंगे, डॉक्टर कहेगा मैंने तो बहुत कोशिश की अब मैं क्या कर सकता हूं, और आप चुपचाप अपने पेशेंट की डेड बॉडी लेके वहां से चले आएंगे। मैं आपको एक बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के एलोपैथी चिकित्सा के शीर्षस्थ डॉक्टर जो इस देश में हैं, उनकी एक संस्था है, वो संस्था की एक कॉन्फ्रेंस में मैं चला गया था गलती से, तो उस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन में बैठा रहा दिल्ली में। जो बातें होती हैं वो आपको सुना दी जाए तो आप किसी भी एलोपैथी चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल इस तरह से बातें करते हैं जैसे कोई कसाई बकरे को काटने से पहले बात करता है। ऐसी स्थिति इस देश में आ गई है। फिर 3 दिन सुनने के बाद मैं परेशान हो गया, तो मैंने वो डॉक्टर से कहा मैं जाना चाहता हूं। उसने कहा अब तुम समझ गए हम लोग क्या हैं। तो मैंने कहा ये आपने मुझे समझाया क्यों? तो उन्होंने कहा तुम एक काम कर सकते हो जो हम नहीं कर सकते, कि ये बातें दूसरों को समझा दो। ऐसी स्थिति है। उसमें जो सबसे गंभीर बात हुई थी वो मैं आपको एक वाक्य में कहना चाहता हूं। वो ये कहते थे सभी डॉक्टर एक दूसरे से सहमत होते हुए कि 250 वर्षों में एलोपैथी चिकित्सा ने एक ही काम किया है, दर्द से लड़ने का, बस इसके अलावा कुछ नहीं।